क्षणिक तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणिक क्षणिक। अगर देवी जी कह दे कि मेरे लिए ये वस्तु लानी है तो उस समय हाँ कह देना, भलाई उसी में है। बाद में जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तब समझाना, अजी सुनते हो मैं आपके लिए तो सब कर दूं लेकिन इससे नुकसान ये होगा। फिर थोड़ी देर में कह दे नहीं नहीं कोई गरज नहीं, जैसे आप कह रहे हो वही ठीक। तो सूरज की तपन कांटों की चुभन से भी ज्यादा खतरनाक होता है जेल में, क्योंकि आदि शक्ति है, मातृत्व तो है इसके अंदर। रावण ने कहा ना अवगुणाठ सदा उर रहे, वो गुण है वैसे, लेकिन जब अति हो जाए तो अवगुण बन जाता है। मातृत्व तो सबसे ज्यादा स्त्री में है। आपने देखिए, अगर आप अपने बेटे को फोन करो मेरी तबीयत खराब है तो कहता है ठीक है दवा खाने ले जाओ मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जब बेटी को पता लगता है ना तो जैसे जिस हालत में भाग कर चली आती है, क्योंकि ये शक्ति है, इसमें मातृत्व बहुत है, भय बहुत है, स्त्री में भय ज्यादा रहता है, भाव बहुत अच्छा होता है। और सबसे पहली बात, स्त्री जाति एक ही बात चाहती है कि मुझे आत्मनिर्भर जीवन मिले। बचपन से बिचारी पढ़ती है, ड्रीम देखती है, खुद को समझना शुरू किया तब तक दूसरे के हाथ में सौंप दिया। अभी तो वो स्वयं को समझ भी नहीं पाई थी, दूसरे को सौंप दिया। हर जगह स्त्री सेक्रीफाइस कर देती है, एक जगह टूट जाती है जब उसका हम सफर उसका स्वामी उसे नहीं समझ पाता। जिस दिन वो उसे समझने लगे उस दिन वो आधी रोटी में भी खुश रह सकती। अक्सर आप देखें कि अधिकतर तलाक हो जाता है, कुछ माताएं आत्महत्या कर लेती हैं, उसका मूल कारण है हम दोषारोपण करते हैं एक दूसरे पे, बाकी क्या करेंगे। कोई पढ़ लेता है कोरे कागज पे यूं जिंदगी की दास्तां, कोई पढ़ लेता है कोरे कागज पे यूं जिंदगी की दास्तां पूरी, और कोई पूरी किताब पढ़ के कुछ भी नहीं समझ पाता। आदि शक्ति है, मात्र शक्ति है, वात्सल्य है इसके अंदर, सृष्टि की निर्माती है, अधिष्ठात्री है। जहां नारी की पूजा नहीं, जिस घर में मात्र शक्ति की उपासना नहीं, उस घर में कभी लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। ये कहा गया है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति नीलाना। जिसके घर में सुमति होती है, शुद्ध मति रहती है, वही संपत्ति रहती है, और जिसके घर में कुमति होती है, कुबुद्धि आ जाती है, वहां कभी सुख का अनुभव नहीं होता। हर आदमी का परिवार में एक स्थान है। मेरा आज एक सर्वे ओपिनियन दे रहा हूं, खैर अभी अधूरा है, चालू है इस पे काम, इंटरनेशनल सर्वे है क्योंकि मूलतः मैं रिसर्चर हूं। और आप लोगों को बताया ही है कि मेरा स्लोगन ही है कि माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज माई बेनिफिट। मेरी जिंदगी मैंने समाज के लिए समर्पित की है और लोगों के हृदय का प्रेम ही मेरी संपत्ति है, ये मानकर जीता हूं। अपना करिए जरा सा, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, उस हालात में कितनी करुण पीड़ा है, वेदनाएं हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, आहार नहीं है, शयन नहीं है, कई जगह तो ऐसी व्यवस्था है
कि अंतिम समय तक डॉक्टर कहते रहे बेड रेस्ट है, लेकिन मातृशक्ति को सेवा देनी ही पड़ती है। एक पुत्र के जन्म में 20 हड्डियां एक साथ टूटने जितना पेन होता है। माँ उस बच्चे को जन्म देती है, माँ उस बेटी को जन्म देती है, लेकिन बुरा तब लगता है जब बेटा अपनी माँ से ये नहीं पूछता कि माँ तेरी तबीयत कैसी है। आधुनिक युग बढ़ गया है, बच्चे कहते हैं, अभी हाल ही में बाहर गया था मैं आउट ऑफ इंडिया, वहां पर मैंने देखा दोनों बहुत अच्छे पैकेज से नौकरी कर रहे हैं, दोनों का व्यवस्था बन गया कि भाई हम विवाह करेंगे, लड़की गुस्से में कहती है आपके घर में कितने डस्टबिन हैं, तब दिल में दर्द हो जाता है कि जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया तुम उन्हें डस्टबिन नजर आते हैं। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, कैसा दर्द होता है, जागो मेरे भाई जागो। बूढ़ा बाप तड़पता बैठा होता है दर्द में, माँ को भोजन नहीं मिलता है और आप 10 रुपए का सेब एप्पल समोसा छिपा के ले जाते हो, और वो भी कोने से पत्नी के कमरे में, उसकी बद्दुआ से कभी सुखी नहीं रह सकते हो। अगर पूजना है तो माँ बाप के चरण पूज लो, तो मंदिर के जैसे तुम्हारी ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा जाएगी, अन्यथा कुछ नहीं। शर्म आनी चाहिए हमको। जब एक माँ आंसू गिराती है, ऐसे ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं जो असहनीय है। अरे याद करो उस रामकृष्ण को जिसने पूर्व जन्म में सिर्फ वचन दिया और स्वयं पुत्र बनकर के चले आए सिर्फ माँ के प्यार को पाने के लिए, और तुम इसे दुत्कार रहे हो। मुख में हरी हरी मन में खोटी भरी। आज सृजन की देवी भगवान की भी दो पत्नियां मानी गई हैं श्री हरि की, एक भू लक्ष्मी और एक श्री लक्ष्मी। आप उस नारी को क्या समझते हो? आज अगर नारी नहीं होती तो राम नहीं होते, नारी नहीं होती तो कृष्ण नहीं होते, नारी होती नहीं तो हम ब्रह्मांडपुरी महाराज भी यहाँ नहीं होते और आपका भी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए अगर आज शक्ति की पूजा करते हो मत जाओ मंदिर में, मैं कहता हूँ मत जाओ मंदिर में, मत करो आरती मेरे भाई। अगर अपने माँ के पैर रोज छू करके उनकी दुआ ले लो, उससे बड़ी कोई शक्ति आपके लिए नहीं होगी, ये मेरा निवेदन है। बालक जा रहा है, लोगों ने पूछा, टीचर ने कहा स्वर्ग की मिट्टी लेके आना। आजकल तो फ्रिज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए 2 रुपए का मिश्री नहीं मिलेगा, मिलता है? सनातन कहता है अगर आपके अंदर हिंदुत्व का रक्त है, सनातन के है ऋषियों की संतनत है, तो अगर आपके घर में गीता नहीं है, भागवत नहीं है, आरती उपासना अर्चना वंदना नहीं होती है, और आप वो चीजों का भोग करते हो जो ठाकुर को पसंद नहीं, तो आप सनातनी कहने के अधिकारी भी नहीं हो महाराज, और सच्चे संत दरवाजे पे पैर नहीं रख सकते। पाखंडियों की बात मैं नहीं करता। जो हमारा दायित्व हम उसे नहीं समझ रहे, हमने क्या सीखा? लाइफ इज नेम इज लर्न एंड टीच। जिसने हमें जन्म दिया है प्रोट्रॉन न्यूट्रॉन के पास नहीं जाते हैं,
कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। और अंत में यही कहा गया कि जिससे तुमने जन्म लिया उससे सीख लो, और जिसे जन्म दोगे उसे 6 चीजें सिखा देना, धन्य हो जाओगे। माता पिता की सेवा, वेदों के प्रति रुचि, अच्छे संस्कार, ट्रांसपेरेंट लाइफ, अच्छे विचार। अब तो अगर नए बच्चों से पूछा जाए कि बेटा, एक दिन तर्क कर दिया एक लड़के ने, महाराज जी आप रात दिन चिल्लाते रहते हो, मंदिर जाओ मिलता क्या है मंदिर में लो। हमने कहा महाराज मंदिर में जाएं तो अर्चना होती है, वंदना होती है, पूजा होती है, शांति मिलती है। बाप जी मारे नथी जवानों त्या है, बद्दा गर्लफ्रेंड मारा कॉलेज में छे, मेरे कॉलेज में पूजा भी है, शांति भी है, अर्चना भी है, वंदना भी है। लो कब समझेंगे आप? अरे हमारे बच्चाओं को पढ़ाओ, नीति श्लोक पढ़ाओ उनको। बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार व्यापारियों, पैसे के पीछे मत भागो। अगर संत हो तो जन जागृति करो, वैचारिक शुद्धता करो, निष्काम भाव से ला करके हर घरों में गीता का प्रचार करो। 5 लाख है तो कथा होगी, वाह। फिर यार एक बड़ी दुकान खोल कर बैठ जाते, वहां कांदा बटाटा बेचते, रिंगना बेचते, वो ज्यादा अच्छा रहता, धर्म को क्यों बेच रहे हो? पढ़ाओ हमारे बच्चों को। हा? घर में शाहरुख खान की फोटी रखी है, सचिन तेंदुलकर की रखी है, कई घरों में तो बूढ़े माँ बाप जिनके घर में रहते उनकी फोटो नहीं लगाते, इतना दुर्दैव आ चुका है भारत में। उनकी संपत्ति पे आप राज कर रहे हैं, लेकिन आपके बाबा का फोटो आपके घर में नहीं हो सकता, सलमान खान का पहले आ जाएगा, इतना मॉरल। हमारे बच्चों को पढ़ाओ, नीति श्लोक पढ़ाओ। और आज मैं एक वादा करता हूं यहां बैठ करके, हर भाई हर बहन संकल्प ले, ज्यादा कुछ नहीं, अपने बच्चे को 5 नीति श्लोक और गीता के 2 श्लोक जरूर पढ़ाना, नहीं गीता और सीता का नामो निशा मिटा देंगे लोग, और ये बच्चे आपको कभी पानी नहीं पिलाएंगे, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इनको पढ़ाना है, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, इन्हें पढ़ाना पड़ेगा। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, मेहनत से कार्य सिद्ध होता है, आलस्य से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरन चल के नहीं जाता, भले वो जंगल का राजा। पढ़ाओ इनको, इन्हें पढ़ाओ। आलस्य कुतो विद्याया विद्यस्य कुतो धनम्, आलस्य कुतो विद्याया विद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, आ मित्रस्य कुतो सुखम्। आलसी को विद्या कहो, आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहां, अविद्यस्य कुतो धनम्, बिना विद्या के धन कहां, अधनस्य कुतो मित्रम्, निर्धन के मित्र कहां, और अमित्रस्य कुतो सुखम्, बिना मित्र के सुख कहां। हमें पढ़ना है, हमें जानना है, अगर ये बदलाव आए तो भागवत कथा श्रवण का आनंद है। हम कथा करते चले जाए और बाद में पूछे गुरुजी कैसी रही, बोले टाइम पास हो गया, फिर कथा से व्यथा दूर नहीं होगी ना। इसलिए निवेदन है, सात्विक आहार हो, सुंदर विचार हो, माता पिता पुत्र में अलौकिक प्यार हो, घर में वेदों का पाठ हो, ठाकुर की चरणामृति उतारे, मस्तक पे तिलक लगाए और कुछ नहीं करें तो रोज सुबह उठ करके अपने माँ बाप के चरण छू करके सूर्य को जल तो दे सकते हो, दे सकते हो ना। मैं आपसे पूछता हूं, आपने किसी के लिए सर्वस्व किया और वो आपको थैंक्सफुल ना कहे तो आप उसे क्या कहते हो? तो आप वही हो ना सर,
आपने किसी के लिए सब कुछ किया और अगर आपको थैंक्स ना करे, आपको अप्रमाणिकता से प्रेम ना करे, तो आप उसे क्या कहते हो? तो मुझे बताना पड़ेगा आप क्या हो। जिस प्रभु ने आपको ये सुंदर शरीर दिया, जिस प्रभु ने विवेक दिया, जिसने योग दिया, उसके लिए थैंकफुल तो होना चाहिए नहीं? सूर्य को जल चढ़ाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है, यहां तक कि काफी लोगों के चश्मे उतर जाते हैं। नहीं यकीन है करके देखना। सूर्य को जब आप जल अर्पित करते हैं तो ऐसे नहीं टाइम पूरा धड़ हो गया बस। सूर्य को जल चढ़ाना होता है जब पैर के अंगूठे पे खड़ा होना, अपने सिर से इस मुद्रा में रखना। पीतल से आपका जल जब चढ़ता है तो उसके बीच से जो सनलाइट फिल्टर्स होके आती है वो आपकी नेत्र ज्योति को बढ़ा देती है। निरंतर आप 90 दिन तक करके देख लीजिए, चश्मा उतर जाएगा। लेकिन समय सूर्योदय का होना चाहिए। अब तो सूर्यवंशी है साहब, नौ बजे तक लोग उठते हैं, है ना? 5 बजे तो उठने ही भूल गए हैं ना? अरे वो दिन याद करो, हमारे कृष्ण हमारे राम में इसलिए शक्ति थी क्योंकि सुबह माताएं डोरी सुनाती थी हा? कि जागिए ब्रज राज कुंवर पंछी बन बोले, दीप चंदी में चला लो, जागिए ब्रज राज कुंवर पंछी बन बोले, जागिए ब्रज राज कुंवर पंछी बन बोले, जागिए ब्रज राज माता ऐसे सुनाती थी कि जागो पंछियों का कोलाहल होने लगा है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। अब तो पता है सुबह क्या लगा देते हैं लोग। अब दूसरा गीत बजता है कि पीते मिला के लोग हैं पानी शराब में। हाँ फैशन हो गया साहब, ऋतुफल हम देते ना कन्या को भाव करते कि जैसे जैसे ऋतुओं में ये फल आता है ऐसे मेरे घर में सदैव मंगलकार होते रहे। अब विवाह का टाइम आ गया, मुहूर्त देखा नहीं, गुण मिलाया नहीं है जी, तिथियों का मिलाप नहीं, हनुमान जी को अपने आराध्य इष्ट कुल देवी के समय पे चढ़ के आ रहा है। एक तरफ तो पंडित जी मंगलाचरण कर रहे हैं, स्वस्ति ना इंद्रो भी स्वास्थ्य वाचन कर रहे हैं, स्वस्ति ना इंद्रो विद स्वाहा स्वस्थ न पुखा विश्व वेदा, और दूसरी तरफ चल रहा है गंगा जल उन्हीं के लिए। वो कैसे कहते हैं कैमरा वाले भाई साहब, ये 2 लाइन लगाना नहीं है, इतना काट देना, आसानी के लिए बोल रहा हूं। कि पीते मिला के लोग हैं